हाँ तो भाई कैसे हो सारे। तो आज से 5 साल पहले हनी पाजी ने ड्रॉप करा था अपना कमबैक म्यूजिक वीडियो। द ट्रैक नेम इज मखणा भाई सा। ये जो ट्रैक है इसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था 2018 में, नंबर वन ट्रेंडिंग में रहने का, वो भी 1 महीने तक। उस टाइम पे लिटरली कोई जानता भी नहीं था ट्रेंडिंग सेक्शन होता क्या है। ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने हनी पाजी ने बना के छोड़ दिए। सो इस ट्रैक की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ट्रैक में जो है फीचर करा था हनी पाजी का जो फर्स्ट क्रू था, बोनाफाइड, पिनाकी एंड कॉन्सेप्ट, इन तीनों ने, जिस क्रू का नाम था थर्ड डिग्री। हनी पाजी ने 2003 में इन लोगों के साथ में बीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा था। ये लोग इंग्लिश में रैप करा करते थे एंड हनी पाजी बीट प्रोड्यूस करते थे। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मखणा 2.0 भी अपन को देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई बोनाफाइड एंड कॉन्सेप्ट ने कुछ ऐसी स्टोरी लगाई है, तुम देख सकते हो। बी सक्सेसफुल एंड हैव एनिमीज, बी अनसक्सेसफुल एंड हैव फ्रेंड्स, ग्लोरी। और वहीं बोनाफाइड की स्टोरी देख सकते हो। पिनाकी का तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इन दोनों ने तो भाई स्टोरी लगाई है और इतना पता चल रहा है कि ग्लोरी एल्बम में इन लोगों ने हनी पाजी के साथ में कोलैबोरेशन करा है। हनी पाजी जो है भाई कोलैबोरेशंस पे कोलैबोरेशंस कर रहे हैं और बहुत से ट्रैक्स ऐड करते जा रहे हैं भाई अपनी ट्रैक लिस्ट में। एल्बम कब 18 ट्रैक की थी और कब भाई 25 ट्रैक्स की बन जाए कुछ कह नहीं सकते। आज मुद्दतों बाद जश्न मनाने को दिल कर रहा है, जश्न का इंतजाम करो। खैर बात ऐसी है कि सिर्फ 1.5 दिन बचे हैं हनी पाजी ट्रैक लिस्ट ड्रॉप करने वाले हैं ग्लोरी एल्बम की, एंड अपन सभी को पता चल जाएगा भाई कौन कौन आर्टिस्ट फीचर करने वाला है इस एल्बम में, कितने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने वाले हैं एंड कितने इंडियन हिप हॉप सीन्स होने वाले हैं, एंड म्यूजिक लेवल के बारे में पता चलेगा, ऑल्सो कितने ट्रैक्स होने वाले हैं। भाई कौन कौन एक्साइटेड है यार कमेंट्स में बताओ, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार भाई के चैनल को, और हो सके तो भाई मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करो।